चल रही होती है, लेकिन वो दिखाया गया। और फिर वहीं से जो है मैंने बच्चन साहब को पहली बार टच किया था क्योंकि उसमें दिखाया गया था। और आपने जो यहाँ देवभूमि का जो कल्चर है वहाँ नाटी भी लगाई आपने, तो कैसा लगा आपको कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप जो है हिमाचली नाटी वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं? जब फर्स्ट सिंगल चल रहा था वो मैं लास्ट में आया हूँ, सबको उन्होंने बोला था, डिस्क्लेमर दिया था उन्होंने कि शायद से ये लास्ट हो सकता है। तब सारे के सारे बच्चे, कुछ 6 बच्चे वहाँ बैठे थे, अब सारे प्रार्थना कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे अपनी उम्मीद हार चुके थे, लेकिन हमारे अरुणोदय तो, लेकिन मैं नहीं हार रहा था, मैं सबको उल्टा मोटिवेट कर रहा था, मैं जीतूँ या तुम जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद ये हुआ कि क्या कहते हैं, जब फास्टेस्ट सिंगर होने लगा तब उसके क्या कहते हैं, एक वहाँ अंकल थे, उन्होंने पहाड़ी टोपी पहनी हुई थी, मैंने उनको देखा फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट से पहले, मेरा जोश जाग उठा, मैंने अपने मन में बोला जय हिंद जय हिमाचल, आगे मैंने किया और ऐसे ही ऐसे कर करके जो है मैं जीत गया। तो एक तरफ से अंदर से खुशी भी थी और एक हिमाचल के लिए जोश भी था। और अब जब ये दोनों चीजें कंबाइन होती है तब हिमाचलियों का तो आपको पता ही है, और पूरा देश जो है आपकी नाटीस में झूम गया। और अरुणोदय, आपने हमारा ही नहीं, हिमाचल का ही नहीं, बल्कि हम सबको गौरवान्वित किया है, सब आपसे प्यार करते हैं। और आपने जो वहाँ पे एक बताई थी ना कविता, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, वो मुझे भी बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने वो पूरी सीखी है जब अरुणोदय ने वहाँ पे वो कविता बताई थी। तो आप बच्चों को क्या संदेश देंगे, किस तरह से बच्चों को? मैं यही संदेश दूंगा कि जो है हमेशा ऊंचे सपने देखें, हमेशा जो है ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश रखें, क्योंकि और एक और चीज, ये जो संस्कार है, संस्कारों को बहुत महत्व दें, क्योंकि जो संस्कार है वो नींव है किसी एक इमारत की, और इमारत है सफलता, लेकिन उस नींव में इस्तेमाल होने वाला पत्थर, मिट्टी और जो पत्थर है उस नींव में इस्तेमाल होने वाला, वो होती है हमारी मेहनत, होती है हमारी मेहनत। और अगर ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों की नींव पक्की बन जाए, तब इसके ऊपर आप जितनी मर्जी लंबी इमारत खड़ी करना चाहें आप कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणोदय हमसे बात करने के लिए। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, जो मेरी एक पुस्तक आई है नवल किरण, उसमें मैंने एक कविता आपको डेडिकेटेड की है, और मुझे, क्योंकि मुझे आपसे बहुत कुछ, हमें सबको सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि इतनी छोटी सी एज में आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचे और हिमाचल का नाम गौरवान्वित किया, तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।